Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn 5 French words that's very important for learning English well. Friends, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे French words देखेंगे जो आपकी English को और भी ज़्यादा improve कर देगी. Very interesting friends. चलिए start करते हैं और सीखते हैं ये 5 French words. Friends, आज का हमारा पहला word है palmy days. Palmy days का मतलब होता है days of happiness, यानी अच्छे दिन, खुशहाली के दिन या सुहावने दिन. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कड़ी मुशक्कत के बाद यानी कड़ी मेहनत के बाद मुझे अच्छे दिन मिले या मैं अच्छे दिन पाया, आप कहेंगे फ्रेंड्स, आफ्टर वर्किंग हार्ड आई गॉट पामी डेज. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसके पिता के मृत्यु के बाद उसने अपने अच्छे दिन हो दिया या उसके अच्छे दिन खत्म हो गए, तो आप कहेंगे After his father death, his palmy days came to an end. यानी उसके फादर के डेथ के बाद उसके खुशहाल भरे दिन, अच्छे दिन, खुशनुमा दिन खत्म हो गए, चले गए. आइए फ्रेंड्स, आज का दूसरा फ्रेंच वर्ड देखते हैं. और हमारा दूसरा फ्रेंच वर्ड है पिक होल्स इन. पिक होल्स इन का मतलब होता है टू फाइंड आउट फॉल्ट्स ऑफ, यानी किसी की कमियों को ढूंढना या किसी की गलतियों को ढूंढना. अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स वह हमेशा दूसरों की गलतियों को ढूंढता है या वह हमेशा दूसरों की कमियों को ढूंढता है, तो आप कहेंगे ही ऑलवेज पिक्स होल इन अदर्स. यानी वो हमेशा दूसरों की गलतियां या कमियों को देखता है या ढूंढता है. या किसी की गलतियों को ढूंढना अच्छी बात नहीं है. इट इज नॉट गुड टू पिक होल्स इन अदर्स. मतलब किसी की कमी को ढूंढना अच्छी बात नहीं है. आइए फ्रेंड्स, आज का तीसरा फ्रेंच वर्ड देखते हैं पॉइजन वन्स ईयर्स. फ्रेंड्स, हमें अपने डेली लाइफ में इसका यूज बहुत करना होता है. Poison one's ears का मतलब होता है to say things against word, यानी किसी के कान भरना या किसी को किसी के लिए भड़काना. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसने मेरे खिलाफ मेरे भाई की कान भरी, तो आप कहेंगे she poisoned my brother's ear against me. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं she poisoned The ears of my brother against me. तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि किसी के खिलाफ कान भरना, तो आप कहेंगे poison one's ear. आइए फ्रेंड्स, अगला फ्रेंच वर्ड देखते हैं प्ले लिप सर्विस. प्ले लिप सर्विस का मतलब होता है झूठी इज्जत देना या बस जुबान से इज्जत देना. कई बार आप किसी को यह कहते सुने होंगे मन में राम बगल में छुरा, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आमतौर पर आजकल लोग जुबान से ही इज्जत देते हैं, तो आप कहेंगे जनरली पीपल प्ले लिप सर्विस. यानी आजकल लोग जुबान से ही बस सर्विस दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं. आइए फ्रेंड्स, आज का लास्ट फ्रेंच वर्ड देखते हैं. और हमारा लास्ट फ्रेंच वर्ड है पॉकेट एंड इंसल्ट. फ्रेंड्स, पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है To be an insult without opposition. यानी किसी बेइज्जती को बर्दाश्त करना बिना कुछ कहे. कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई इंसान किसी बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेता है और बदले में वो एक वर्ड भी नहीं बोलता है. तो जब इस तरह के सिचुएशन आए जहां आप कहें बेइज्जती बर्दाश्त करना बिना कुछ कहे, बिना खिलाफ आए, तो आप कहेंगे पॉकेट एंड इंसल्ट. जैसे कोई ऐसा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता. No one can pocket such an insult. यानी कोई भी इस तरह का बेइज्जती या अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी वर्ड्स समझ में आए तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बताएं मेरे अच्छे दिन कब वापस आएंगे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे. यानी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा. आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये सभी वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे और आप
अपने डेली लाइफ में इसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।